फ्रेंड्स, जैसा कि आप जानते हैं मैं हूं नीरज कुमार और आप देख रहे हैं हैशटैग इंडिया। दोस्तों, मेरे कुछ पिछली वीडियोस में कुछ कमेंट आए थे कि कोई भी फ्रीलांसिंग वेबसाइट के लिए एक अच्छी सी स्ट्रॉन्ग प्रोफाइल प्रोफेशनल प्रोफाइल कैसे बनाते हैं। तो दोस्तों, आज इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि एक बेहतरीन स्ट्रॉन्ग प्रोफाइल कोई भी फ्रीलांसिंग वेबसाइट के ऊपर या कोई भी जॉब पोर्टल के ऊपर जल्द से जल्द सेलेक्ट होने के लिए कैसे बनाते हैं। तो आज इस वीडियो में बने रहिए मेरे साथ अंत तक और जाने कैसे बनाते हैं एक वेरी स्ट्रॉन्ग प्रोफाइल आपको जल्द से जल्द सेलेक्ट करवाने के लिए। और ये वीडियो पूरा देखें दोस्तों डिटेल में, तभी आपको समझ में आएगा। सो लेट्स बिगिन ऑन माय लैपटॉप स्क्रीन। तो दोस्तों, अब हम आ गए हैं हमारे लैपटॉप स्क्रीन पर और अब मैं बताता हूं आपको एक स्ट्रॉन्ग प्रोफाइल कोई भी रिक्रूटमेंट वेबसाइट या फिर फ्रीलांसिंग वेबसाइट के लिए कैसे बनाते हैं। ये इसे आप अपने सीवी या फिर रिज्यूम बनाने के लिए भी कंसीडर कर सकते हैं। तो दोस्तों, मैंने कुछ की पॉइंट्स निकाले हुए हैं, मैं सिंपली आपको की पॉइंट्स समझा देता हूँ। ये जो हाइलाइटेड एरिया है, यहाँ पे आप ध्यान देंगे तो यहाँ पे लिखा है एलिमेंट्स ऑफ लिंक्डइन प्रोफाइल टू कंसीडर। ये जरूरी नहीं है कि आप ओनली लिंक्डइन प्रोफाइल को ही कंसीडर करें। दोस्तों, मैं आपको बता दूं, ये कुछ की पॉइंट्स हैं, ये आप अपने कोई भी सीवी, रिज्यूम, ऑनलाइन प्रोफाइल फॉर फ्रीलांसिंग वेबसाइट्स, ऑनलाइन प्रोफाइल फॉर रिक्रूटमेंट वेबसाइट्स, किसी भी के लिए आप ये की पॉइंट्स कंसिडर कर सकते हैं। दोस्तों, ए प्रोफेशनल फोटो आपके रिज्यूम में या फिर प्रोफाइल में एक बहुत ही बढ़िया क्लियर HD क्वालिटी ना हो तो भी चलेगी, लेकिन क्लियर दिखने वाली, अच्छे कलर्स वाली एक बढ़िया प्रोफेशनल फोटो जरूरी होनी चाहिए। एक प्रोफेशनल फोटो ही होनी चाहिए, ना कि कैजुअल, ये ध्यान रखें। दूसरी बात, आपकी जो हेडलाइन है, दोस्तों आप क्या हैं, क्या करते हैं, कितना आपको एक्सपीरियंस है, उसके हिसाब से एक प्रोफेशनल हेडलाइन। जैसे कि मैं आपको बता दूँ, कोई भी बंदा है 8+ ईयर्स का, उसको एक्सपीरियंस है और वो एक क्वालिटी चेकर है ऑफ कोई भी एप्लीकेशन, क्वालिटी टेस्टर है, एप्लीकेशन क्वालिटी टेस्टर है, तो उसके हिसाब से वो अपना हेडिंग हेडलाइन कैसे रखेगा, 9 ईयर एक्सपीरियंस्ड एप्लीकेशन क्वालिटी टेस्टर। तो उसमें सीधा सीधा क्लियर हो जाता है कि बंदा क्या है। अभी डेटा एंट्री का भी लगा लो, ऐसे ही लगा लो, या फिर डिजाइनर्स के लिए लगा लो, एक बहुत ही बढ़िया इम्पैक्टफुल प्रोफाइल हेडलाइन आपकी होनी चाहिए। दोस्तों, यहाँ पे तीसरा पॉइंट लिखा है कि आपका जो समरी है, आप कौन हो, आप क्या करते हो, आपकी स्किल्स क्या है और क्या क्या आपके वर्टिकल्स हैं जिनके ऊपर आप अच्छी तरीके से काम कर सकते हो। तो यहाँ पे आप अपने बारे में एक छोटी सी समरी, बढ़िया सी, बढ़िया वर्ड में लिखी हुई बढ़िया सी एक छोटी सी समरी आप डाल सकते हैं। तीसरा पॉइंट आपका यही कंसिडर होने वाला है। दोस्तों, उसके बाद में आपका आता है प्रोफेशनल एक्सपीरियंस, कि आपकी कितना आपको प्रोफेशनल एक्सपीरियंस है, कौन कौन से वर्टिकल में आपको प्रोफेशनल एक्सपीरियंस है, ये सभी आप कंसिडर कर सकते हैं। उसके बाद में आता है अपनी स्किल्स और अपनी जो स्किल लेवल है, आपके पास कितनी स्किल्स हैं, कितने कितने वर्टिकल के ऊपर स्किल कर सकते हैं और उन स्किल्स के ऊपर आप कितने एक्सपीरियंस्ड हैं, कितने शार्प हैं, वो भी आप इसके अंदर कंसिडर करके राइट कर सकते हैं। दोस्तों, उसके बाद में हमारा जो आता है वो ये वाला पॉइंट्स आप लिंक्डइन के लिए छोड़ दीजिए और ये वाला आप लिंक्डइन के लिए छोड़ दीजिए, ये वाला आप मत कीजिए। उसके बाद में आते हैं एजुकेशनल बैकग्राउंड, हाईलाइट प्रोजेक्ट, और अगर आपने कुछ प्रोजेक्ट कंप्लीट किया है या फिर पब्लिश किया है या फिर कुछ आपका डॉक्यूमेंटेशन ऑनलाइन पब्लिश्ड है, तो वो सभी चीजें, आपका एजुकेशनल बैकग्राउंड कितना है, आप हाई क्वालिटी, सॉरी, आप अपनी हाईएस्ट एजुकेशनल जो आपका है वो आप इसके अंदर कंसीडर कर सकते हैं, मेंशन कर सकते हैं, वो भी अच्छे रिटन लेवल, रिटन इंग्लिश के साथ में, अच्छे रिटन कंटेंट के साथ में आप लिख सकते हैं। हाईलाइटेड जो भी प्रोजेक्ट्स हैं, जो भी बढ़िया बढ़िया प्रोजेक्ट्स आपने किए हैं, जो भी बढ़िया बढ़िया प्रोजेक्ट्स आपने कंप्लीट किए हैं, वो सारे के सारे प्रोजेक्ट्स आप इसके अंदर लिस्ट आउट कर सकते हैं या फिर कोई भी best 2 प्रोजेक्ट्स लिस्ट आउट करके डाल सकते हैं। दोस्तों, लास्ट में आता है आपका पब्लिकेशन और रिटन वर्क्स। अगर दोस्तों आपने कोई भी प्रोजेक्ट या फिर कोई भी पोर्टफोलियो आपने अच्छा सा बनाया हुआ है या ऑनलाइन पब्लिश्ड है, तो दोस्तों वो सभी चीजें आप उसके अंदर मेंशन कर सकते हैं। एक बहुत ही बढ़िया स्ट्रॉन्ग प्रोफाइल के लिए फायदेमंद रहता है आपकी स्किल्स, आपकी एक्सपीरियंस, आपकी नॉलेज
और आपका पोर्टफोलियो। दोस्तों आपकी एजुकेशनल कोई भी बड़ी बड़ी कंपनियों में देखते होंगे, लेकिन जहां तक लोगों को पता लग जाता है कि आपके पास इतनी स्किल्स है, इतने स्किल्स के अंदर आपका इतना एक्सपीरियंस है, और उसके हिसाब से आप अपनी जो वर्किंग कैपेसिटी है उसको बहुत ज़्यादा बना सकते हैं और बहुत ही बढ़िया प्रोजेक्ट्स के अंदर काम कर सकते हैं, तो दोस्तों वो आपकी बहुत ही स्ट्रॉन्ग प्रोफाइल रह जाती है। तो दोस्तों पोर्टफोलियो बनाना ना भूलें। आजकल ऑनलाइन के ऊपर बहुत सारे आपको स्पेस मिल जाते हैं जहां आप पोर्टफोलियो आप अपना बहुत इजी तरीके से बना सकते हैं। मैं अगला वीडियो विक्स के ऊपर आप अपना पोर्टफोलियो कैसे बनाएंगे वो मैं समझाऊंगा कि कैसे बनाएंगे। तो ये चीज विक्स के ऊपर पोर्टफोलियो कैसे बनाते हैं, विक्स के ऊपर आप अपना ऑनलाइन रिज्यूम या फिर ऑनलाइन सीवी कैसे बनाते हैं, उसके लिए दोस्तों आप मेरा अगला वीडियो देख लीजिएगा। उसके लिए मुझे कमेंट भी कर दीजिएगा तो मैं उसको अपने अगले वीडियो में आपको समझा दूंगा। दोस्तों अब आते हैं हमारे एक और डॉक्यूमेंटेशन के ऊपर जो कि मैंने रिसर्च किया था, जिसके ऊपर मैंने रिसर्च किया हुआ है, वो मैं आपको बताता हूं कि कैसे आपकी प्रोफेशनल प्रोफाइल क्रिएट होती है। तो दोस्तों यहां पे देखिएगा, यहां पे एक सीधा सीधा हाईलाइट मैंने किया हुआ है कि आपकी प्रोफेशनल प्रोफाइल है क्या, व्हाट इज प्रोफेशनल प्रोफाइल। दोस्तों जो भी आपकी स्किल्स है, स्ट्रेंथ है, एक्सपीरियंस है, एजुकेशन है, आपकी वर्किंग कैपेसिटी है, आपकी लर्निंग कैपेसिटी है तो दोस्तों वो पूरा एक समरी में डाल के अगर किसी को बताया जाए तो उसको प्रोफेशनल प्रोफाइल बोलते हैं। प्रोफेशनल प्रोफाइल आपकी जॉब लेने में भी सहायता करता है, प्रोफेशनल प्रोफाइल आपकी कोई भी फ्रीलांसिंग वेबसाइट या फ्रीलांसिंग कंपनी में जल्द से जल्द सेलेक्ट होने के लिए भी काम आता है, ये एक स्ट्रॉन्ग प्रोफाइल होती है। तो उसके लिए दोस्तों हमारे पास कुछ की पॉइंट्स हैं जो कि मैं ब्रीफ में नहीं बता पाऊंगा, लेकिन मैं आपको पॉइंट्स में बता दूंगा कि कैसे होता है। यहाँ पे है एक कीप इट ब्रीफ एंड फोकस्ड। दोस्तों आपकी कोई भी प्रोफाइल है उसको स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए उसकी स्किल्स, उसके की पॉइंट्स, उसके एक्सपीरियंस आपको ब्रीफ में लिखना है, आपको अपने बारे में ब्रीफ में लिखना है और बिल्कुल फोकस्ड तरीके से लिखना है ताकि जो कोई भी रिक्रूटर और या फिर कोई भी फ्रीलांसर वेबसाइट को बनाने वाला या फिर उसको फ्रीलांसिंग काम देने वाला आपकी प्रोफाइल को एक सिंपल तरीके से देख पाए, एक बार देखने से उसको समझ में आ जाए कि आप एक्चुअली क्या दिखाना चाहते हैं। दोस्तों ये बहुत काम की चीज है, कंसिडर योर ऑडियंस। दोस्तों आपकी प्रोफाइल किसके लिए है, किस प्रकार की कंपनी के लिए है, रिक्रूटमेंट वेबसाइट्स के लिए है, फ्रीलांसिंग वेबसाइट्स के लिए है या फिर कुछ और सिलेक्शंस के लिए है जहां पे आपको सीवी या प्रोफेशनल प्रोफाइल देके सेलेक्ट करवाना है, तो वो आपको कंसिडर करके ही आपकी प्रोफाइल आपको क्रिएट करनी है। दोस्तों एक और की पॉइंट है इलस्ट्रेट विद एग्जाम्पल। दोस्तों इसका मतलब क्या होता है कि हमारी जो भी प्रोफाइल है उसकी जो भी स्किल्स या फिर एक्सपीरियंस हम जिस प्रोजेक्ट के ऊपर दिखा रहे हैं उसके एग्जाम्पल्स होना बहुत जरूरी है, उसकी क्वालिटीज होना। यहाँ पे देखिए स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेशन लिखा है, लीडरशिप क्वालिटीज लिखा है, ये सभी चीजें होना बहुत जरूरी है। आपको क्लियर होना पड़ेगा कि आप क्या ढूंढ रहे हैं, आपको किस चीज की जरूरत है, आपने किस चीज के लिए अप्लाई किया है। दोस्तों अगर आप रिक्रूटमेंट वेबसाइट के लिए बना रहे हैं या फिर फ्रीलांसिंग वेबसाइट के लिए बना रहे हैं तो वो चीज आपको क्लियर पता होनी चाहिए और उसके हिसाब से आपकी प्रोफाइल क्लियर आपको अपने प्रोफाइल रिज्यूम में डालनी है या फिर जो आपको स्ट्रॉन्ग प्रोफाइल जिसमें बना रहे हैं वहां पे डालनी है। और आपको हमेशा जो भी वर्ड आप यूज कर रहे हैं, कोई भी सेंटेंस आप यूज कर रहे हैं, उसको दोस्तों नॉर्मल तरीके से यूज ना कीजिएगा। नॉर्मल हम अपनी निजी लाइफ में जो वर्ड यूज करते हैं उनको प्लीज नहीं करिएगा। जो भी आई कैचिंग वर्ड्स होते हैं, जो भी रेयर वर्ड होते हैं उनको ऑलवेज यूज करिएगा तो हमेशा रिक्रूटर को या फिर कोई भी फ्रीलांसिंग वेबसाइट को लगेगा, फ्रीलांसिंग जो देते हैं उनको लगेगा कि हाँ रियली इस बंदे को नॉलेज बहुत ज्यादा है तो हमको इसको काम देना चाहिए। दोस्तों ये थे कुछ की पॉइंट्स और याद रखिएगा मैं अगला वीडियो विक्स के ऊपर बनाने जा रहा हूं जहां पे आप अपना प्रोफेशनल पोर्टफोलियो या फिर प्रोफेशनल प्रोफाइल आप बना सकते हैं कोई भी रिक्रूटमेंट कंपनी के लिए या फिर कोई भी फ्रीलांसिंग वेबसाइट के लिए आप एक बहुत ही बढ़िया प्रोफेशनल वेबसाइट बना सकते हैं। तो दोस्तों उस चीज के लिए प्रोफेशनल विक्स प्रोफेशनल पोर्टफोलियो के लिए आप तैयार रहिएगा और मेरे वीडियो का इंतजार करिएगा, मैं अगला वीडियो जरूर ही डालूंगा। तो दोस्तों ये था सारा
डॉक्यूमेंटेशन आप कैसे स्ट्रॉन्ग प्रोफाइल बना सकते हैं। अगर अभी भी आपको कोई भी आपको प्रॉब्लम हो स्ट्रॉन्ग पोर्टफोलियो बनाने में, या फिर कुछ भी दिक्कत या फिर परेशानी आ रही हो ये समझने में कि प्रोफाइल क्या होती है, प्रोफेशनल प्रोफाइल क्या होती है, या फिर पोर्टफोलियो क्या होता है, या फिर हम स्ट्रॉन्ग प्रोफाइल एक्चुअल में कैसे बनाते हैं, तो अगर आपको इस चीज़ में कोई भी दिक्कत या फिर प्रॉब्लम है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको पर्सनली उस चीज़ के बारे में एक्सप्लेन कर दूंगा, या फिर मैं रिक्रूटमेंट वेबसाइट्स के लिए या फिर रिक्रूटमेंट फ्रीलांसिंग वेबसाइट्स के लिए मैं पर्सनली कोई भी एक स्ट्रॉन्ग पोर्टफोलियो या स्ट्रॉन्ग प्रोफाइल बना के आपको शोकेस करा सकता हूं। तो दोस्तों ये थी कुछ बेसिक्स स्ट्रॉन्ग प्रोफाइल बनाने के लिए। आशा करता हूं कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। आज के लिए बस इतना ही और मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।